हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि अगर हमें टेली का डेटा किसी को मेल करना है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए हो, या फिर हमारे बॉस के लिए, या फिर किसी और को भी हमें टेली का डेटा सेंड करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कोई एक्सेल फाइल हो या वर्ड फाइल हो या फिर कोई अदर फाइल हो जिसको हम मेल के अंदर अटैच कर सकते हैं, वो डायरेक्टली अटैच हो जाती है, लेकिन टेली के डेटा के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं और अलग अलग फोल्डर्स को यहाँ पर अटैच करना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम टेली के डेटा को किस तरह से मेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सा डेटा आपको मेल करना है, यानी कौन सी कंपनी आपको मेल करनी है। तो फॉर एग्जांपल, यहां पर मोहन ट्रेडर्स नाम से कंपनी ओपन है। मोहन ट्रेडर्स नाम की कंपनी को हमें किसी को सेंड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है कि एल्ट F1 यानी कि शट कंपनी कर सकते हैं। शट कंपनी करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कंपनी आता है, लिस्ट सिलेक्टेड कंपनी। यहाँ पर आपको मोहन ट्रेडर्स का नंबर देखना है, क्योंकि फोल्डर के अंदर आपको नंबर दिखाई देगा, न कि नेम दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये नंबर है 10,000। अब 10,000 नंबर है, अब ये कौन से फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर ये उसका पाथ दे रखा है। कौन सा पाथ है? सी यूजर पब्लिक टेली ईआरपी डेटा के अंदर है। तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ चलते हैं। कौन सा है? सी यूजर पब्लिक टेली ईआरपी 9 डेटा। तो हमें पीसी के अंदर जाना है। पीसी के अंदर जाने के बाद सी में जाना है। सी में जाने के बाद यूजर में जाना है। यूजर जाने के बाद पब्लिक में जाना है, और पब्लिक में जाने के बाद tele.erp9, और उसके अंदर ही ये डेटा का ऑप्शन है। उस डेटा के अंदर हमारा ये नंबर था 10,000। अब इस डेटा को अगर हम ओपन, इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, तो आपको इस टाइप का शो हो जाता है, यानी कि ये 900 फाइल्स, ये फाइल्स आपको इस तरह का शो हो जाता है। ये जो इसको अटैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको हम अटैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें उसको जीप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको एक ही कंपनी का डेटा सेंड करना है, तो आपको इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको पूरा डेटा सेंड करना है, यानी कि सभी कंपनी आ जाए, तो आपको यहाँ पर पूरे डेटा के फोल्डर को आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी की बात करते हैं। जैसे 10,000 है, 10,000 को हमें क्या करना है, जिप फाइल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एड टू अचीव। एड टू अचीव पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एड टू अचीव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है अचीव फॉर्मेट RAR, RAR4 या जिप फाइल। तो आप यहाँ पर जिप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जिप फाइल सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पर ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ये जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब आप मेल करेंगे, अगर आप किसी को मेल करेंगे, तो मेल के अंदर डायरेक्ट आपको ये जिप फाइल अटैच करनी है। जैसे आप ये जीप फाइल अटैच करेंगे, ये फाइल आपकी अटैच हो जाएगी। ये जीप फाइल आपको अटैच करनी है। सामने वाला जो भी, जिसको ये मेल रिसीव कर रहा है, वो इस जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपने यहाँ पर उसको जीप फाइल में कन्वर्ट कर दिया, वो उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब सिंपल, कैसे होगा एक्सट्रैक्ट? जैसे यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हियर, या फिर आपको जिस फोल्डर के अंदर करना है एक्सट्रैक्ट फाइल भी कर सकते हैं। जैसे हम एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, तो यही जो 10,000 का डेटा है, ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और टेली के अंदर उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आपको टेली का डेटा मेल करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।